आजमगढ़ में होने वाले लोकसभा उपचुनाव में महज एक सीट का चुनाव नहीं, इसके नतीजे उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव के बड़े संकेत दे सकते हैं। शायद यही बड़ी वजह है कि भाजपा ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर कीमत पर जीत के इरादे से पार्टी ने अपने दिग्गजों की फौज खड़ी कर दी है। आज सीएम योगी खुद यहां दो दो रैलियां करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई आजमगढ़ सीट पर 23 जून को मतदान होना है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आजमगढ़ और रामपुर का यह उपचुनाव सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा की सियासी तस्वीर भी तय कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।